आपकी बात से पूरा गांव में फिर अजीत जी आपके मुंडन चाहते हैं की से बिजली करे किसानों का हाथ और कितना कर दिया जाए ताकि लाखों उनके अपनी रोजी रोटी को कमा सके। मैं आप लोग जिस दिन सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेगी मैं गुर्जरों के मांग को कि उनके हाथ पावर के करे किसानों के लिए 200,000 इस हाथ जो इंदिरा जी के नाम पर राजीव जी के नाम पर कहूँ। आप सबने मेरा इतने प्यार से स्वागत किया है इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अब ठीक है यार इंदिरा जी जब संकट में थी और बाकी लोग उन्हें छोड़ गए तब कल्पना जी उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने अपनी जान भी उनको खत्म होते हुए मैं नहीं दे सकती। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं उन्हें कायम रखने के लिए लड़ती रहूंगी। मेरे खिलाफ चाहे वे झूठे आरोप लगाए चाहे साजिश करे चाहे वे मुझे विदेशी कहलाए वे मुझे कभी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आपके दिल साफ है। कुर्सी के पीछे पागल होने वालों को इन चीजों की क्या समझ हो सकती है। इन्होंने तो देश को बेहाल कर रखा है। मूल सुविधाएं भी जनता को उपलब्ध नहीं है। जो योजनाएं जनहित के लिए होनी चाहिए उन्हें भी ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा। मामले को पिछले 10 सालों में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया गया। यहाँ के उनका लोग बिजली की कटौती से परेशान हैं, जिनके द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं रही। जो सामान मुश्किल से बनता है उसे बेचने में भी कठिनाई आती है। बाहर के व्यापारी अपराधियों की वजह से यहाँ आने से डरने लगे हैं। हाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक सीमेंट के कारखाने बंद हो चुके हैं। टीमों पर खास प्रेशर किया है। इसमें प्रदेश के कृषि और उद्योग की उन्नति के लिए नए नए कार्यक्रमों और योजनाओं का उल्लेख किया है। कोई उसूल या सिद्धांत नहीं है जिन्होंने भारतीय समाज के श्रेष्ठ मूल्यों की हत्या की है। नई सदी में देश का नवनिर्माण एक नए सिरे से करेंगे। अब मैं आपका ध्यान उन वीर सैनिकों की तरफ दिखाना चाहती हूँ जो सहज पर उस फैसियों की मुकाबला कर रहे हैं। अपनी जान पर बाजी लगाकर तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। ये बहादुर सैनिक हमारे भाई हैं। हमें इनकी कुर्बानियों को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसाना चाहिए। नफर कभी नहीं भूल पाएंगे और हमेशा के लिए उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कई नौजवान कारगिल में शहीद हुए हैं, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ कि कई जिलों से आए हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ।
और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय